the video, which is on Steam Chat, and we will show you a demo that how it works on a car. As promised, we are back. So, after that, can you just see the demo how it works on the car? After that, I will see that this steam machine is how it is for the engine, because it has sensors, which I am seeing, rubber parts. और जो इलेक्ट्रिक कंपार्टमेंट यहाँ पे पूरा है, तो ये सेफ, ये मशीन सेफ कैसे होती है, ये जो स्टीम हम करेंगे ये सेफ कैसे है? मैडम एक्चुअली आपने देखा होगा कि कोई भी, जब भी कोई भी OEM अप्रूवल आता है, तो OEM जो ऑरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है वो मशीन को तभी अप्रूवल देता है जब वो सारे टेस्टिंग कर लेता है। और ये मशीन अगर आप देखेंगे, अगर मुझे मशीन जब टेस्टिंग के लिए हमने दी थी, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जब हमने पूरा 15 दिन डेमो के लिए दी थी मशीन, तो उस टाइम पे उन्होंने टेस्ट किया था मशीन को, रबर पार्ट, प्लास्टिक पार्ट एज वेल एज सेंसर्स आल्सो। ओके, उसके बाद ही उन्होंने हमें अप्रूवल दिया। दैट मींस अगर एक OEM ने मशीन को टेस्ट किया है, तो उन्होंने थॉरली पूरी मशीन सारी चीजों को अच्छे से चेक करने के बाद इस मशीन का क्या इम्पैक्ट था, उसके बाद ही उन्होंने हमें अप्रूवल दिया है। अच्छा, तो ये मशीन हमारी OEM अप्रूव्ड है? कौन से OEM से अप्रूव्ड है हमारी ये मशीन? होंडा में अप्रूव्ड है, आपकी हुंडई में अप्रूव्ड है, एंड सो ऑन। ओके, सो जायंट्स इन द इंडस्ट्री जो हमारे हैं, सो डेफिनेटली इससे हमारी स्टीम मशीन अप्रूव्ड है। सो दैट इज अ गुड थिंग ऑफ इट डेफिनेटली। सो सिद्धार्थ, लेट्स गो अहेड एंड सी। कंप्लीटली सेफ है आपका इंजन वॉश करने के लिए एज वेल एज ऑन द पेंटेड सरफेस आल्सो। ओके, बिकॉज़ समटाइम्स क्या रहता है कि गाड़ी हमारी कोटेड होती है या PPF कोटेड गाड़ी होती है, तो डिपेंड होता है कि इस मशीन में कोटेड गाड़ी सेरामिक कोटिंग है या और कोई कोटेड गाड़ी है, या पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगी हुई है, वो मैं स्टीम से वॉश कर सकता हूँ या नहीं? बिल्कुल, स्टीम का अपना एक टेम्परेचर है एंड इट्स वर्किंग ऑन अ सेम टेम्परेचर, दैट इज 80 to 90 डिग्री सेल्सियस। अगर आप देखें, अगर काफी बड़ा लग रहा है, और बहुत सारे स्टीम वॉश होते हुए मैंने देखा है वो छोटे गन का यूज करते हैं, तो मतलब हमारे गन में क्या कोई स्पेशलिटी अलग है या इसका यूज क्या है जरा सा? पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी कंपनी जो भी मशीन डिलीवर करती है, सप्लाई करती है कस्टमर को, दैट इज मेंट फॉर कार क्लीनिंग ओनली, डेडिकेटेडली मेंट फॉर कार क्लीनिंग ओनली। तो अगर आप देखेंगे, जैसे कि जनरली लोग शॉर्ट गन का यूज करते हैं, उससे क्या आउटर बॉडी तो आप क्लीन कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट द इंजन कंपार्टमेंट, जिसमें अगर आप देखेंगे तो डीपर बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ऑयली होते हैं, फिर आप काफी ज्यादा डर्ट होती है उनके ऊपर, या कुछ ऐसे सेंसर्स या कंपोनेंट्स होते हैं जो साफ नहीं हो पाते, क्लीन नहीं हो पाते। बट ये लेंथी हमारी मशीन के साथ हम दो गन सप्लाई करते हैं,
तो क्या होता है कि जो लांस है ना वो आपका चेंज हो जाता है, लॉन्ग लांस आपका इंग्लैंड क्लीन करने के लिए और जो शॉर्ट लांस है वो आपका बॉडी क्लीन करने के लिए। एंड प्लस ये लांस भी अगर आप देखें तो ग्रिप डेप्थ होगा, तो अगर कोई टच भी कर लेता है तो दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली सेफ। अदरवाइज अगर ये जनरली लोगों के पास जो गन रहती है वो मेटलिक होता है, अगर मैं मेटल को टच करूंगा तो मेरे फिंगर्स बर्न हो जाएंगे। एग्जैक्टली, बट दिस लांस इज ऑल्सो सेफ, सो समटाइम्स अगर गाड़ी से भी टच होता है तो गाड़ी को कोई हार्म नहीं होगा, ठीक है। दैट इज और आपने देखा इसने इंजन वॉश करने में हार्डली एक से दो मिनट मैक्सिमम, और सबसे बड़ी बात है कि आपका इंजन टोटली सेफ है वॉश होने के बाद भी, क्योंकि लोग कई बार घबराते हैं कि मैं इंजन वॉश कर रहा हूँ तो इससे कोई डैमेज तो नहीं होगा, कई बार सीएनजी फिटेड किट्स भी होती हैं तो उसको कोई हार्म तो नहीं पहुंचेगा। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटे से छोटा कंपोनेंट या पूरा इंजन अच्छे से साफ हो चुका है विदाउट हार्मिंग द इंजन। रिजल्ट्स आर विजिबल, यस यस यू कैन चेक, हैव अ डेमो फॉर दैट, देखते हैं आफ्टर।
the results are visible on this car. The 30 car has turned out to be really white. So for our next video, I will just say that